हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए तीन नए नोटिफिकेशंस। आप में से जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में खास जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में। यह है आपके न्यू एडमिशन से रिलेटेड। इग्नू की तरफ से आपके जुलाई 2021 सेशन के न्यू एडमिशन की लास्ट डेट को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। अभी आप 22 नवंबर तक अपने न्यू एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है आपके री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। दोस्तों, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2022 सेशन के स्टार्ट हुए हैं और न्यू एडमिशंस जुलाई 2021 सेशन के अभी तक चल रहे हैं। सो आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। जनवरी 2022 सेशन के री रजिस्ट्रेशन के लिए इग्नू की तरफ से जो पेज ओपन किया गया था वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी प्रॉपरली काम कर रहा है और आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए फिलहाल 30 नवंबर की लास्ट डेट दी गई है। लेकिन आपकी लास्ट डेट को एक बार फिर से एक्सटेंड किया जाएगा। सो आप इसके लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर जब भी आपको टाइम मिले जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है इसको मैंने आज के वीडियो में कवर इसलिए किया है क्योंकि आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए आपके पास केवल 15 दिन का वक्त बचा हुआ है। सो अगर अभी तक ऐसे कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए, दोस्तों ये उन सभी स्टूडेंट्स की बात हो रही है जिन्होंने या तो अभी तक अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए या वो सभी स्टूडेंट्स जो दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करने वाले हैं, आप सभी स्टूडेंट्स अभी 30 नवंबर तक अपने असाइनमेंट्स जमा करवा सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सोल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके किसी सब्जेक्ट के लिए उनको प्रोजेक्ट बनाना होता है या फिर किसी के लिए डिसर्टेशन या फिर फील्डवर्क जर्नल्स प्रिपेयर करने होते हैं या फिर इंटर्नशिप रिपोर्ट्स। तो इन सभी को बनाने के बाद में आपको ये दिल्ली हेडक्वार्टर भेजना होता है बाय पोस्ट। लेकिन अभी जैसे कि आप जानते हैं, बाय पोस्ट भेजने में काफ़ी बार आपकी पोस्ट कहीं पे मिसप्लेस हो जाती है। सो इग्नू की तरफ से आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, डिसर्टेशन, फील्डवर्क जर्नल्स, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, इन सभी के लिए फिर से ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया। आप अपनी रिपोर्ट्स को स्कैन करके उसका PDF बना लीजिए और उसको यहाँ पे अभी ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपने असाइनमेंट जमा करवाते हैं उसी तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट भी जमा करवाने हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स DECE प्रोग्राम वाले हैं, आपको अपने DECE 04 का प्रोजेक्ट यहाँ पर सबमिट नहीं करवाना है। जैसे कि आप यहाँ पर हेडिंग में ही देख पा रहे हैं, एक्सेप्ट DECE 04 ऑफ DECE प्रोग्राम। सो उसके अलावा जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका भी कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह है तो आप अभी उसे ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।